हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MRY स्टडी में। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हमने अपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? पहला इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा 5-year प्लान, तीसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, चौथा इंडस्ट्रियल सेक्टर, पाँचवा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो हमने अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। इन 5 चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम शॉर्ट में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमने इन 5 चैप्टर्स में ये पढ़ा कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी शुरुआत में कैसी थी, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट थी। बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी को, अच्छी इकोनॉमी को, ग्रोथ डेवलपिंग इकोनॉमी बनाने के लिए इंडिया ने क्या करे, 5-year प्लान्स बनाए। 5-year प्लान्स को इम्प्लीमेंट करा 3 सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड सेक्टर में। तीनों सेक्टर्स में उसको इम्प्लीमेंट करा, उससे हमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस मिले और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, जिसकी वजह से एक क्राइसिस हुआ। उस क्राइसिस के बाद हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की ज़रूरत हो गई। इसी चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी। तो आज का हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, मतलब कि NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो आ गई, कोई भी चीज़ है, ठीक है, हम कोई भी चीज़ इन्वेंट करते हैं उसमें, जैसे कि मोबाइल फोन्स हैं, पहले कीपैड मोबाइल आते थे, अब थोड़ा चेंज आया कि स्क्रीन टच आने लगे, फिर थोड़ा उसके बाद चेंज आया कि स्क्रीन टच के साथ साथ 4G भी हो गए, है ना। तो वो चेंज आता रहा, क्यों चेंज आया, लोगों की सहूलियत के लिए, ठीक है। इसी तरीके से इकोनॉमी में चेंज आया क्योंकि हमारे इंडिया डेवलपिंग नेशन की लिस्ट में आनी थी। अब वो डेवलप्ड होने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। होता है ना, कभी भी हम कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आई जाती है, तो वही रुकावट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम जल्दी से पढ़ते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ठीक है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब होता है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो क्यों एक नेशन के लिए, कंट्री के लिए ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी को, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी है उसमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको क्या करना, रिन्यू करना, ठीक है। जो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो क्या होती हैं गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती हैं, उसको एक रिन्यू करना, उसको एक पेस देना, मतलब कि एक स्पीड देना फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और वही इंडिया में बोला जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, समझ गए। अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का रीजन क्या था, तो रीजन था हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस इन 1990। अरे भाई 1990 में कुछ हुआ होगा ना, तभी तो 1991 में हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी। बिल्कुल हुआ था, हमें पता था कि सबसे पहले जब हमने पॉलिसीज बनाई थी, जब हमने प्लानिंग कमीशन ने जब पॉलिसीज बनाई थी, तब क्या हुआ, हमारे पास 3 चीजें थी। सबसे पहली लाइसेंसिंग, कोटास और परमिट्स। लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या थी, लाइसेंसिंग पॉलिसी में कोई भी इंडस्ट्री को अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट से उसकी लाइसेंसिंग करवानी होती थी। दूसरा क्या था, कोटा सिस्टम। कोटा किसके पास था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास। जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा ही सेटअप की जाती थी, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे उनके पास वो कोटा सिस्टम नहीं था। तीसरा आता है परमिट्स। परमिट्स किस में, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में परमिट्स। गवर्नमेंट ने क्या करा था, एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया था इन कंपेयर टू इम्पोर्ट,
हमारी कंट्री में क्या होता था कि जितने भी गुड्स हमारी कंट्री में आते थे एज ए इम्पोर्ट, उनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, चालू कर दिया था यहाँ पर प्रोडक्शन करना, और वो चाहती थी कि वो दूसरे देशों में जाकर एक्सपोर्ट हों और वहाँ से हमें क्या मिल सके, वहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल सके। लेकिन यहाँ पर बंदिश बना दी थी किस पे, यहाँ पर बंदिश बना दी थी इम्पोर्ट पे, कि कोई भी चीज़ बाहर से आए ना, तो यहाँ पर परमिट भी हुआ। तो उसी को गवर्नमेंट ने चेंज करके क्या कर दिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, लाइसेंसिंग से लिबरलाइजेशन में आ गया, कोटास से प्राइवेटाइजेशन में आ गया, और परमिट से ग्लोबलाइजेशन में आ गया। इन तीनों को हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में, लेकिन आज हम ये पढ़ लेते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों जरूरी थी, नीड क्या थी हमारी इंडिया की इकोनॉमी को। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या या नीड क्या है हमारी किसकी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, क्या नीड पड़ी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा कि 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट को क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। ठीक है, ये जरूर आएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन आता है हमारा, वो आता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग अ ईयर। फिस्कल डेफिसिट क्या है, एक बोरोइंग है, बोरोइंग मतलब लोन लेना, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही बोरोइंग्स, मतलब कि गवर्नमेंट लोन ले रही है ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग अ ईयर। क्या हो गया है, रेवेन्यू हमारे पास कम है और उससे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर है, तब वो सिचुएशन बन जाती है हमारी क्या, फिस्कल डेफिसिट की, और उस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। अब ये फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन बनती किससे, तो फिस्कल डेफिसिट की जो सिचुएशन बनती है वो बनती है हमारी इन्फ्लेशन से। अब इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट फॉर प्रोड्यूसर्स। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारी जो डिमांड है वो बढ़ी हुई होती है, लेकिन उसी स्टेज में हमारी जो प्राइजेस हैं किसकी, गुड्स की या फिर इनपुट्स की, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। उस पर क्या होता है कि गवर्नमेंट को फिर लोन ही लेना पड़ता है, उसकी एक सिचुएशन बनती है। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, ये सिचुएशन क्या करती है हमारी, इट इंडिकेट्स अनहेल्दी इकोनॉमी, ये अनहेल्दी इकोनॉमी को शो करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1980s में क्या था, 5.4 हमारी फिस्कल डेफिसिट, जो हमारा जीडीपी होता है, जीडीपी में कुछ परसेंट होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट का। अब फिस्कल डेफिसिट का जो परसेंटेज होता है उसमें हमारा 5.4% क्या था, फिस्कल डेफिसिट था, जो कि 1990 से 91 के बीच में क्या हो गया, 8.4 बढ़ गया। ये क्या शो करता है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक डेब्ट ट्रैप में है, गवर्नमेंट एक कर्ज में मुक्तला है। ठीक है, तो ये कर क्या कर देता है हमारा, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टॉप कर देता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकता, एक्सपेंडिचर आपका इतना ज्यादा है, आपके पास इतना रेवेन्यू कैसे होगा। अब इसी में दूसरा फैक्टर, दूसरी जो नीड आती है हमारी, वो आती है इन्फ्लेशन की, इसी टॉपिक से रिलेटेड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों हुआ, अब भाई फिस्कल डेफिसिट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, लेकिन हमें ये पता करना है कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्यों हुआ। तो इन्फ्लेशन में आपको बता चुका कि एग्रीगेट डिमांड जब हमारी इकोनॉमी में बढ़ जाती है, या डिमांड बढ़ जाती है किसी इकोनॉमी की, तब वहां पर इकोनॉमी को ना चाहते हुए मार्केट को प्राइजेस को बढ़ाना पड़ता है। जब प्राइजेस बढ़ जाते हैं तब उस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या, इन्फ्लेशन। तो प्रायर टू 1991 के पहले, मतलब कि 1990 तक कह सकते हैं हम, क्या हुआ कि मानसून 3 साल तक वहां पर बारिश नहीं हो पाई, मानसून फॉर 3 consecutive years क्या हुआ, रुका रहा हमारा, बैड मानसून रहा। आपको पता है कि हमने शुरुआत में बताया था कि एग्रीकल्चर किस पे आश्रित है हमारा इंडिया, रेनफॉल पे है। अब रेनफॉल नहीं हुई तो उस वजह से क्या हुआ, जो फूड ग्रेन थे उसके प्राइजेस राइज कर गए। जब प्राइजेस राइज कर गए तो जो हमारी आरबीआई थी, आरबीआई क्या है हमारी,
रिजर्व बैंक कौन है हमारी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी, वो सेंट्रल बैंक है। उसने क्या करा, उसने डेफिसिट फाइनेंसिंग शुरू कर दी। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, तब आरबीआई एडिशनल नोट्स प्रिंट करती है, एडिशनल नोट प्रिंट करती है, जिससे कि वो क्या कर सके, लोन दे सके गवर्नमेंट को। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट उस लोन को, इतना ज्यादा लोन हो चुका था कि वो चुका नहीं पाई, उस सिचुएशन में ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारा रुक चुका था। ठीक है, तो इस वजह से इकोनॉमिक पॉलिसी लाना जरूरी थी। थर्ड है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बीओपी डेफिसिट। अब जैसे कि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट का जो डिफरेंस होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में हमें यह समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता कैसे। सबसे पहले तो अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा तो हमारे उसमें दो तरीके के अकाउंट होते हैं। पहला कौन सा होता है, हमारा करंट अकाउंट, दूसरा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम क्या क्या लेते हैं, करंट अकाउंट में हम लेते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो करंट अकाउंट होता है हमारा, उसमें हम क्या लेते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करा, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। सेकंड आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, इसमें हम क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स किसकी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितना इन्वेस्ट करा और कितनी बोरोइंग्स करी। आपको पता होगा कि इंडिया की जब गवर्नमेंट ने जब इकोनॉमिक पॉलिसी पहले बनाई थी प्रायर टू 1990, उसने ये शर्त रखी थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं होगा। इंडिया में इन्वेस्ट कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, पीएसयूज में करेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में करेगी। ठीक है, तब गवर्नमेंट को वहां पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वहां पर बोरोइंग्स लेना चालू करी। उसकी एक सिचुएशन आ गई थी कि उसको बोरोइंग्स लेना चालू पड़ी। ठीक है, लेकिन बोरोइंग्स कैसे आए, जो हमारा करंट अकाउंट था उसमें डेफिशिएट हो गया, क्या हुआ, सीएडी की सिचुएशन आ गई हमारी। सीएडी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डेफिशिएट आ जाता है। कैसे आ जाता है, इससे क्या हुआ कि हमारी जो बोरोइंग्स थी वो हाई हो चुकी थी, करंट अकाउंट की जो बोरोइंग्स थी वो हाई हो चुकी, हमने दूसरी कंट्रीज से क्या करा था, लोन ज्यादा लेना चालू कर दिया था। अब जब हमने लोन ज्यादा लेना चालू कर दिया था तो वहां पर हमारे पास एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और उसी 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 वजह से हमारा जो इंपोर्ट है वो हाई होने लगा, मतलब कि हमारे इंडिया में जो चीजें आती थी वो ज्यादा आने लगी। पहले क्या हो रहा था कि हम इंपोर्ट को रोक रहे थे, एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे थे, लेकिन उस वजह से क्या हुआ, इंपोर्ट हमारा बढ़ने लगा और एक्सपोर्ट क्या हो गया, लो हो गया। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम करंट अकाउंट डेफिसिट। ये हमारा एक नीड बनी यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने की। चौथा आता है हमारा गल्फ क्राइसिस। गल्फ क्राइसिस में क्या है कि इराक वॉर हुई थी 1990 से 91 के बीच में। अब इराक वॉर के बीच में क्या हुआ होगा, आपको पता ही है कि वहां पर गवर्नमेंट को ज्यादा जरूरत होगी पेट्रोल की, इसलिए पेट्रोल के प्राइजेस और कंट्रीज के लिए बढ़ चुके थे। ठीक है, पेट्रोल के प्राइजेस क्या हुए थे, बढ़ चुके थे और कंट्री के लिए, तो इंडिया के पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज थे उसने सब किस में गवा दिए थे, पेट्रोल खरीदने में। उस टाइम पर पेट्रोल महंगा होगा तो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज थे उसने किस में गवा दिए थे, पेट्रोल खरीदने में, इसलिए उसके फॉरेन एक्सचेंज भी घट चुके थे। अब इसी से हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था वो हमारी कंट्री में फॉल कैसे हुआ, 1990 से लेकर 91 का जो एरा था, जो हमारा जो पीरियड था जो एक साल का, उसमें क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज इतना लो चला गया कि गवर्नमेंट के पास फॉरेन के जो बिल्स थे वो भरने के लिए तक पैसा नहीं था। ठीक है, वो उतना पैसा नहीं था कि मतलब ये समझ लीजिए कि जो 10 दिन का जो पीरियड था, एक 10 दिन का एक ऐसा पीरियड आया था कि उसमें फॉरेन से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या हमारे जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसने क्या करा, ट्रांजिशन नहीं करे थे। जो हमारी जो इकोनॉमी थी, जो
8151 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास थे वो आ चुके थे हमारे पास इतने, ठीक है 6252 करोड़ हमारे फॉरेन एक्सचेंज आ चुके थे 1989 से 90 के बीच में। इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट थी या जो इकोनॉमी थी हमारी वो क्या कर सक क्या नहीं कर सकती थी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजिशन नहीं कर सकती थी। अब ट्रांजिशन नहीं कर सकती थी तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जितना भी गोल्ड रिजर्व था कंट्री का उसको वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रख दिया। वर्ल्ड बैंक के पास जब गिरवी रखा, मॉर्टेज करा उसे, तो गवर्नमेंट ने तो जो वर्ल्ड बैंक थी, वर्ल्ड बैंक ने उसको लोन दिया फॉरेन एक्सचेंज के लिए, उसको लोन फॉरेन एक्सचेंज का लोन दिया जिससे कि वो आगे का ट्रांजिशन कर सके। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने क्या सजेशन दिया, वर्ल्ड बैंक ने सजेशन दिया कि आप लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपने इंडिया में लीजिए, इम्प्लीमेंट कर लीजिए जिससे कि आपको और ज़्यादा इम्प्लीकेशंस ना उठानी पड़े। तब गवर्नमेंट ने क्या करा, तब गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई। वो कहते हैं ना कि जब कोई हादसा होता है हमारे साथ तभी हम उस चीज़ से बाज आते हैं, पहले अगर कोई समझाए तो नहीं आएंगे, है ना। तो इसी वजह से इंडिया ने क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को वर्ल्ड बैंक से गोल्ड के बदले लिया और फिर अपने आगे के ट्रांजिशन करे। बात आती है PSUs की, तो PSUs में अगर हम देखें 1951 में जब PSUs आए तो 5 एंटरप्राइजेस थे हमारे पास, जो कि बढ़ के 1991 में कितने हो गए, 246 एंटरप्राइजेस। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फॉरेन ट्रेड सेक्टर जो है हमारा उसका क्या रोल था, उसमें बता रहे थे कि जो हमारे PSUs थे उस वो क्या करने लगे थे, वो अब कार भी बनाने लगे थे, अब वो शूज भी बना रहे थे, अब वो ब्रेड भी बना रहे थे। मतलब जो प्राइवेट काम करती थी वो अब पब्लिक सेक्टर करने लगा था। इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर था उसका रोल यहाँ पर खत्म हो गया था, और उस वजह से हमारे जो PSUs की वजह से हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ चुकी थी। उस लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमें क्या दिया, $7 बिलियन का लोन दिया जिससे कि हम अपनी लायबिलिटीज पूरी कर सकें, जितना भी हमने लोन लिया बोरिंग्स नहीं उसको पूरी कर सकें, और साथ ही साथ हम अपने आगे के जितने ट्रांजिशन है जो एक्सपोर्ट है उसको कर सकें और इम्पोर्ट को कर सकें, ठीक है। तो ये थे हमारी नीड के हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाने थे अपनी कंट्री में। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं।